नमस्ते, मैं गुलशन मिश्रा फ्रेंचाइजिंग.com से। पिछले 10 सालों में हमने 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से उनके सपनों के बिजनेस के करीब पहुंचाया है। आज हम सरल भाषा में जानेंगे फ्रेंचाइज बिजनेस आखिर होता क्या है। आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आपको 100 तरीके की डेफिनेशंस मिलेंगी, पर आज हम एक सिंपल कहानी के माध्यम से बताएंगे आखिर फ्रेंचाइज बिजनेस होता क्या है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था रामगढ़। वहां बहुत सी राशन की दुकानें थी, पर एक दुकान थी गोविंद की दुकान। वो दूर दूर के गांव तक मशहूर थी। कारण था, वो बहुत मिलनसार, ईमानदार और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था और पिछले 25 सालों से बहुत ही अच्छे से दुकान चला रहा था। बाकी सारे दुकानदार गोविंद से जलते थे क्योंकि वो भी वही सब बेचा करते थे जो गोविंद बेचता था, पर उन सबके पास नहीं थी तो गोविंद की कमाई हुई इज्जत। गोविंद कभी कभी सोचता था, मैंने इतनी मेहनत से सब बनाया है, मुझे अपने काम को और बढ़ाना चाहिए। बाकी बिजनेसमैन की तरह वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता था, पर ना उसके पास इतनी पूंजी थी ना इतना समय था कि वो एक साथ कई दुकानें खोल सके। एक दिन गोविंद के दूर का रिश्तेदार राजू गोविंद से मिलने आया। वो भी अपने गाँव शामगढ़ में राशन की दुकान खोलना चाहता था। उसके पास धंधा शुरू करने के लिए पैसे भी थे, जगह भी थी, पर वो नहीं जानता था ये सब करना कैसे है और बाकी दुकानों के कंपटीशन से भी डरता था। काफ़ी देर इस बारे में बात करने के बाद दोनों भाई इस नतीजे पर पहुंचे कि वो दोनों साथ में मिलकर धंधा कर सकते हैं। इसको करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया जिसे हम फ्रेंचाइज मॉडल कहते हैं। गोविंद का एक बना बनाया नाम था बाजार में, वो एक बड़ा ब्रांड था खुद में। वो इस नाम को राजू के साथ शेयर करने को तैयार हो गया। राजू की दुकान भी अब कहलाएगी गोविंद की दुकान। गोविंद ने राजू के काम करने के लिए कुछ नियम बनाए और उसे कहा कि वो सबका पालन करे ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो, उन्हें यही महसूस हो कि वो गोविंद की दुकान से ही सामान खरीद रहे हैं। राजू ने दुकान एकदम गोविंद की दुकान से मिलती जुलती बनाई। इसके लिए राजू ने गोविंद को उसके नाम की एक फीस दी जिसे हम फ्रेंचाइज फीस कहते हैं, और होने वाले मुनाफे में से हर महीने एक हिस्सा तय किया गया जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं। राजू जानता था रोज पढ़ते हुए बाजार में अपनी पहचान कम समय में बनाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ गोविंद जो एक्सपर्ट था बिजनेस का, वो उसको रास्ता दिखा रहा था। राजू ने पैसा कमाने के लिए दुकान खोली थी। अब गोविंद के साथ होने से उसे कोई डर नहीं था क्योंकि एक झटके से उसे 25 सालों का तजुर्बा मिल गया और वो अपनी खुद की दुकान का मालिक था। आइए हम देखते हैं आखिर गोविंद और राजू को इस डील से कैसे व्यक्तिगत फायदा मिला। पहले बात करते हैं गोविंद की, जो इस कहानी में फ्रेंचाइजर या ब्रांड का प्रतीक है। उसे राजू के मुनाफे से हिस्सा आने लगा बिना पूंजी निवेश किए। लोगों की नज़र में अब वो दो दुकानों का मालिक था। बिना ज़्यादा पैसे लगाए उसके व्यापार में बढ़ोतरी हो गई। लोकल बाजार में राजू की पहचान भी उसके बिजनेस को बल देने लगी। राजू की तरह और लोग भी उससे जुड़ते जाएंगे और गोविंद की दुकान आगे ही बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं राजू की, जो इस कहानी में फ्रेंचाइजी या इन्वेस्टर का प्रतीक है। राजू को एक जमा जमाया नाम मिल गया जिस वजह से उसे एडवर्टाइजमेंट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी। राजू को ये सब चिंताएं नहीं होंगी, कहां से सामान खरीदना है, किस क्वालिटी का सामान लेना है, क्योंकि गोविंद ने पहले से सब तय कर रखा है। राजू को बिजनेस चलाने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोविंद के तय नियमों के साथ वो उसी प्रकार काम करेगा जैसे गोविंद की दुकान चलती है। वो बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा क्योंकि उसके पास ब्रांड नेम है जो पहले से मशहूर है। ऊपर की कहानी में गोविंद फ्रेंचाइजर का प्रतीक है, राजू फ्रेंचाइजी का प्रतीक है। उनके द्वारा बनाए गए नियम और बिजनेस मॉडल ही फ्रेंचाइज बिजनेस है। आशा करता हूँ गोविंद और राजू की कहानी आपको पसंद आई हो और बिजनेस चुनने की राह में हम आपके मददगार साबित हों। आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई फ्रेंचाइज की दुनिया की बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।